तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक और बार आपको स्वागत करता हूँ हमारे इस न्यू कंप्यूटर टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही बढ़िया एक प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से बस आप एक ही क्लिक में आपकी कंप्यूटर स्पीड को पहले से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स आप देखेंगे इसको अप्लाई करने के बाद आपकी कंप्यूटर पहले से बहुत तेज हो गया है। बस आपको जो है इस छोटा सा सिंपल ट्रिक्स को जो है फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो हम शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको जो करना है, आपकी सर्च बॉक्स में से आपको जो है नोट पैड को ओपन करना है। सिंपल, अब मेरा नोट पैड जो है मैं यहाँ पर ओपन कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नोट पैड यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मैंने लिख दिया है। ये क्या है पहले मैं इसको आपको समझाता हूँ। आपको सिंपल जैसा है आपको वैसा ही कुछ लिखना होगा। जैसे कि मैं पहले ऐसा लिखा है कि ECHO पेस ऑफ, फिर उसके बाद एंटर देकर CD-, उसके बाद ट्री, फिर सी, फिर ट्री, उसके बाद ई, फिर ट्री, फिर एफ। ठीक है, ये CEF ये मेरा ड्राइव है। जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो मेरा, आप देखेंगे कि मेरा जो कंप्यूटर में तीनों ड्राइव यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि सी ड्राइव है, ई ड्राइव है और एफ ड्राइव है। अगर आपके कंप्यूटर में ज़्यादा ड्राइव है, मीन्स एफ फिर के बाद अगर जी है कि डी है, कुछ इस तरह से कुछ ज़्यादा ड्राइव है, तो सिंपल सीरियल वाइज आपको यहाँ पर CDEF ऐसा लिखना है। आपको सिंपल सा ऐसा लिखना है। अगर इससे भी कम ड्राइव है तो आपको कम लिखना है, अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा लिखना है। ऐसा ही सीरियल वाइज आपको भी यहाँ पर लिख देना है, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, तो सिंपल सा इसके बाद आपको जो करना है, आपको सिंपल इस फाइल को जो है आपको सेव करना है। मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। यहाँ पर जाकर सिंपल सेव एज़ पे क्लिक करना है और इस फाइल को यहाँ पर मैं refresh.txt ऐसा आपको सेव करना है। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा डेस्कटॉप पे ये जो है सेव हो गया। इसके बाद आपको जो करना है, इस refresh जो नोटपैड की फाइल हमने सेव किया हुआ है अभी, इसको आपको ओपन करना है। मैं सिंपल यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और इसके बाद दोबारा सा इसको आपको फिर से सेव करना है। तो सिंपल आपको जाना है फाइल में और सिंपल से जाना है सेव एज में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है रिफ्रेश यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपको जो करना है यहाँ पर जो है रिफ्रेश के बाद में आपको .bat मीन्स इसको फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करना है, bat फॉर्मेट में इसको जो है सिंपल सेव करना है। तो मैं सिंपल .bat यहाँ पर लिख देता हूँ। आप भी इसको ऐसा ही लिखना और इसके बाद आपको सेव करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा कुछ एक मिनी सॉफ्टवेयर सा होगा, ऐसा कुछ आपकी कंप्यूटर में bat फॉर्मेट में ये आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा इसके ऊपर आपको जो है एक बार क्लिक करना है। तो ये इससे क्या होगा, आप मैं यहाँ पर सिंपल सा एक बार दो बार प्रेस करेंगे आप, तो ये देखिए मेरा कंप्यूटर में जितना भी फाइल है, जितना भी ड्राइव के अंदर जितना भी फाइल है, सभी को जो है ये रिफ्रेश कर देगा। ऐसा आपकी कंप्यूटर में भी होगा। अगर आपके कंप्यूटर में थोड़ा सा भी लोड ज़्यादा है, मीन्स बहुत सारी फाइल है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ले, मीन्स 4 से 5 मिनट ले सकता है। तो ऐसा आपको दिन में एक बार जो है इसको रिफ्रेश करना है। आप देखेंगे पूरा सिस्टम जो है पूरा पूरी रिफ्रेश हो जाएगा सब कुछ। आपको ऐसा सिंपल आपको करना है और आप देखेंगे कि इसके बाद आपकी कंप्यूटर की स्पीड पहले से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो आप भी ज़रूर इस टिप्स को जो है ट्राई करना। मैं जावे के साथ बोल सकता हूँ आपकी कंप्यूटर की स्पीड जो है पहले से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइज, आशा करता हूँ ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप भी इस ट्रिक्स को ज़रूर अपनी कंप्यूटर में अप्लाई करेंगे। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी हर क्वेरीज को सॉल्व करने की। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।